हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहां मैं बात करती हूँ यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि मैं क्यों बोल रही हूँ ऐसा कि विजिट वीज़ा होल्डर्स जो लोग भी हैं वो लोग सावधान रहे यूएई के अंदर। तो इसके पीछे एक कारण है। देखिए, कई दिनों से ये चल रहा है, बहुत जगह से सुनने को मिल रहा है, इसलिए मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। पहले कई सारे वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि विजिट वीज़ा में काम करना यहाँ पे लीगल नहीं है। कंपनी बहुत टाइम पे क्या करती है, पहले बोलती है कि हम आपको देखेंगे कि विजिट वीज़ा में आप कैसे काम कर रहे हैं, एक महीना दो महीना आपको देखेंगे, अगर आप काम सही कर रहे हैं तो फिर आपका वीज़ा लगा देंगे। इसमें से 50% कंपनीज क्या करती है, सच में एक महीना देखती है आपको, उसके बाद आपका वीज़ा लगा देती है। लेकिन 50% कंपनीज क्या करती है, जैसे ही आपका वीज़ा कंप्लीट हो जाता है फिर से विजिट वीज़ा लगा देती है, आपका वर्क वीज़ा नहीं लगाती है। बहुत सारे लोग यहाँ पे आके फंस जाते हैं, तो वो लोग विजिट वीज़ा में ही कुछ भी काम करना शुरू कर देते हैं जो कि इलीगल है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं कि आपको देखते, आप खुद रास्ते में देखते होंगे बहुत सारे लोग कुछ कुछ बेचते हैं, पानी हो, पेन हो, क्या करें, वो लोग भी यहाँ पे विजिट वीज़ा में आए हैं, जॉब्स नहीं मिल रही हैं, और वो लोग फिर ये जो इलीगल काम होते हैं वो करना शुरू कर देते हैं पैसे कमाने के लिए, जो कि बिल्कुल भी गलत है। आपको अगर यहाँ पे काम नहीं मिल रहा है तो आप अपने होम कंट्री वापस चले जाइए, लेकिन जो इलीगल काम है वो बिल्कुल भी मत कीजिए। क्योंकि ऐसे 300 से 500 लोगों को, अलग अलग नेशनैलिटी के हैं, कोई इंडियन है, कोई पाकिस्तानी है, कोई बांग्लादेश से है, ऐसे बहुत सारे नेशनैलिटी के हैं, कुछ लोग अफ्रीका साइड के हैं, घाना के हैं, बहुत सारे हैं, मतलब मिक्स्ड नेशनलिटी के लोग हैं जिनको हाल ही में पकड़ा गया है। उनका अपराध यही है कि वो लोग विजिट वीज़ा में इलीगल काम कर रहे हैं। देखिए, अगर आप कंपनी में भी एक बार करते हैं तो शायद कंपनी आपको ये सपोर्ट करे कि हाँ हम बोले विजिट वीज़ा में, शायद सपोर्ट करे। सब कंपनी सपोर्ट नहीं करती है, फाइन आता है तो आपको ही पे करनी होती है, कोई भी लीगल एक्शन होता है तो वो भी आपको ही संभालना होता है। तो किसी भी तरीके का ये जो छोटे मोटे काम हो या कंपनी के साथ काम हो, कोई सा भी काम हो, अगर आप लोग विजिट वीज़ा में कर रहे हैं तो वो इलीगल है। क्योंकि विजिट वीज़ा का जो काम है, मेन पर्पस जो है वो है यहाँ पे विजिट में आना, यहाँ पे कुछ दिन आप रहिए, कुछ महीने रहिए, उसके बाद आप वापस चले जाइए, यही पर्पस है। तो मेरा ये वीडियो शेयर करने का यही मकसद है कि जो लोग भी मेरे व्यूअर्स मेरे को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, वो लोग बिल्कुल भी ऐसा काम मत कीजिए। जॉब नहीं मिल रही है, पैसे नहीं हैं, कोशिश आपने बहुत कर चुके हैं, 3 महीना 6 महीना 9 महीना आपने कोशिश कर चुके हैं, वीज़ा एक्सटेंड करवाए हैं, नहीं हो रहा तो वापस चले जाइए। क्योंकि पुलिस अगर पकड़ के गिरफ्तार कर रही है, वापस भेज रही है, तो वो डिपोर्टेशन है, जिसके कारण आपका यूएई लाइफ टाइम बैंड हो जा रहा है, आप यूएई फ्यूचर में आ ही नहीं सकते। आज से 3 साल 4 साल बाद भी अगर आप सोचेंगे कि यूएई जाके कुछ काम करते हैं तो वो आप नहीं कर सकते हैं, जस्ट एक इस गलती के कारण। तो गाइज, आई होप ये वीडियो आपको हेल्प हुई होगी, और भी कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।